आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 1 का 5th प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे कि इससे पहले हमने देखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये दोनों क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं, राइट। उसी तरह से हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रॉ किए हुए हैं। अभी जैसे कि फर्स्ट ट्राइंगल में देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। सेकेंड एंगल में हमने क्या किया हुआ है, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल की तरफ देखते हैं, हमने क्या किया हुआ है, तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स रेड कलर से दिखाए हुए हैं और उसके बाद जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें जो मिल रहा है उसे हमने नाम दिया हुआ है ओ, ब्लू कलर से दिया हुआ है। ओ पॉइंट से हमने तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर लाइन दिखाई हुई है, वो ब्लू लाइन से दिखाई हुई है, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी पता चलती है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होता है तीनों एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, इस ट्राइंगल में हमने क्या किया हुआ है, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं। इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है ये वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो चलिए अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन अ सिटी। देर इज़ अ टॉय शॉप इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर हाउसेस। विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे हमें क्या करना है, तीन फ्रेंड्स रहते हैं जो कि अलग अलग जगह रहते हैं, एक सिटी में। उनके तीनों के इक्विडिस्टेंट पे एक टॉय शॉप है, वो हमें दिखाना है। तो हमें कौन सा कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे, हमें ये दिखाना है। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कंसिडर करते हैं हम 3 जो हाउसेस हैं वो 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और जो कि तीनों भी क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे हाउसेस हैं और इन तीनों के जो है इक्वी डिस्टेंस पे एक टॉय शॉप है जो कि हमें यहाँ पे सेंटर में दिखाया हुआ है। तो हम सपोज अब ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है और ये इसका लोकेशन हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस पे दिखाना है। तो ये जो पॉइंट है हमें किस तरह से मिलेगा, हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी हुई है कि अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स के हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं तो इन बाइसेक्टर से मिलने वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा ये तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फिर इसके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तब तो हमें ये टॉय शॉप का एग्जैक्टली लोकेशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तीन पॉइंट दिखाएंगे सबसे पहले, इसको हम नाम देंगे ए, बी, सी, ओके। इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ। तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बन गया हुआ है। अब हमें क्या करना है, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ओके। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया मैंने, ऊपर की तरफ एक आर्क बनाया हुआ है, नीचे की तरफ एक आर्क बनाया हुआ है, दूसरे पॉइंट पर रख के उसी तरह से वो उस आर्क को कट किया हुआ है। अब जो पॉइंट मिल रहा है उसे क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। परपेंडिकुलर है, ओके। उसी तरह से दूसरा वाला ड्रॉ करेंगे, दूसरे वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे पॉइंट पे रखा है, आर्क बनाया हुआ है, ओके। इन दोनों पॉइंट्स से पास होता हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओके। ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसी तरह से तीसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया हुआ है, दोनों अपोजिट साइड पे आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट पे रख के उसी तरह से आर्क को कट किया हुआ है, जो पॉइंट मिल रहा है उसको जोड़ देंगे। ये हमारे हो गए तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और जो है एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इट मीन्स दीज आर कॉन्करेंट।
अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से तीनों वर्टाइसिस का डिस्टेंस चेक करना है। चेक करते हैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से इसका डिस्टेंस हमें दिख रहा है 30 mm। ओके, चेक करते हैं दूसरा वाला पॉइंट से, पॉइंट ए से भी क्या हो रहा है, हमें 30 mm पर डिस्टेंस, 30 mm पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस नज़र आ रहा है। इसी तरह से पॉइंट बी से भी चेक करते हैं, पॉइंट बी से भी हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो रहा है, 30 mm पे दिख रहा है। तो इसका मतलब है तीनों हाउसेस से ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है हमारा, ये होगा हमारा टॉय का लोकेशन, टॉय शॉप का लोकेशन। ओके,